आपको इस इमेज को देखकर क्या लगता है? असल में ये आपकी टंग है, मतलब कि आपकी ये जुबान की इमेज है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से कुछ ऐसा दिखता है। और कभी आपने ये सोचा है अगर आपकी आंखों में फेविकिक चली जाए तो क्या होगा? इस वीडियो को लास्ट तक देखना। फैक्ट नंबर 7, आपके पांव का जो थंब होता है, मतलब आपके पांव का अंगूठा, वो आपकी बॉडी का 40% वेट उठाता है। मतलब इतनी छोटी सी अंगुली आपके शरीर का 40% वजन उठाती है। फैक्ट नंबर 6, जब आप एक कदम चलते हो तब आप अपनी बॉडी के 200 मसल्स इस्तेमाल करते हो। सिर्फ एक स्टेप में 200 मसल का इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 5, पेरिस का जो आईफिल टावर है वो गर्मियों में 6 इंच तक लंबा हो जाता है। एक्चुअली वो हीट की वजह से होता है। जब मेटल पर हीट पड़ती है तो मेटल एक्सपेंड हो जाता है, और इसलिए गर्मियों में आईफिल टावर 6 इंच तक लंबा हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं वो सामने वाले का झूठ पकड़ने में बहुत ही चालाक होते हैं। मतलब आपका झूठ बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि झूठ को कैसे पकड़ा जाए। और जो लोग झूठ नहीं बोलते वो दूसरों के सामने काफ़ी आसानी से फंस जाते हैं। अगर ये फैक्ट आपको पता था तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना बॉडी बनाए और बिना ज़्यादा रेसलिंग किए आप एक जॉन सीना जैसे बड़े रेसलर को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, तो आप मुझे पागल कहोगे। बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि जॉन सीना ने यह कहा था कि मुझे मकड़ी से डर लगता है, और उनकी वाइफ ने भी यही कहा था कि उनको मकड़ी से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आपको बस रिंग में अपने साथ एक मकड़ी को लेकर जाना है। फैक्ट नंबर 2, आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि लोगों को मारने से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, पर आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि बिना आखिरी इच्छा पूरी किए फांसी नहीं दी जाती, और आखिरी इच्छा पूरी होने के बाद ही फांसी दी जाती है। फैक्ट नंबर 1, फेविक्विक के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को चिपकाने में काम आती है, लेकिन अगर आपकी आंखों में फेविक्विक चली जाए तो क्या होगा? क्या आप अंधे हो जाओगे? क्या आपकी आंखें हमेशा के लिए चिपक जाएंगी? जवाब है नहीं। फेविक्विक एक रासायनिक पदार्थ है। जब लोग इसको काम में लेते हैं तो कई बार इसके छींटे उनकी आंखों में चले जाते हैं। ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, ऐसा कई बार हो जाता है, और ये आराम से निकल भी जाती है पानी से आंखों को धोने से। पर अगर ये आपकी आंखों की पुतलियों पर चिपक जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा देना।